चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा तेरी मेरी लाश चोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। तू और लेट नहीं आ सकता था, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। अरे यार ट्रैफिक थी, ये क्या है? आलू गोश्त, हमेशा वहाँ खाना खाने का खर्चा होता है, मैंने सोचा घर से ले चलता हूँ। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अब जल्दी चल, वो चल, चली जाएंगी सारी। चल 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 चल, अच्छा लग रहा है तू, चल चल लेट्स गो। अरे भाई लड़ना बंद करो, मैं दे दूंगी पैसे, बस आने वाली है, चलो। मैं नहीं आई चली कर। अबे मुझे लगता है हमने गलत कॉलेज पकड़ लिया है। तू देख, ये तो सारी बस वाली लड़कियां हैं, एक भी लड़की नहीं है जो कार में आती है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, आएगी आएगी, टेंशन है। अबे कब तक हम इस तरह सारा दिन यहाँ कॉलेज के बाहर खड़े रहेंगे, इनमें से भी हमें कोई नहीं देखती। अरे सलीम हिम्मत ना हार, देखेंगे देखेंगे। झूठी तसलियां मत दे मुझे, उस दिन हिम्मत करके छुमाला से बात की तो मुझे कह रही है तुम्हारी शक्ल तो मेरे मरे हुए भाई से मिलती है, ये कोई बात है कह रही की? भाई ही कहा ना, तेरा दिल तो साफ है तो टेंशन किस बात की, तो चिल कर। क्या चिल कर, या तो खड़े होकर पता चल गया कराची में कितनी बसें चलती है, कौन सी कब कहाँ कितने बजे जाती है। क्या तू तो ठीक ही रहा है, सारी लोकल असेंबली यहीं आती है। अबे अपने को तो लोकल भी चलेगी, लेकिन पैसे वाली तो हो यार। अरे नहीं नहीं, अपने को तो खूबसूरत चाहिए, गोरी चीटी खूबसूरत, ताकि जिसके साथ जाओ ना डेट पे तो नजर आए, पता चले। मुन्ना जब पैसा होता है ना तो रंग भी गोरा हो जाता है और आंखें भी नीली हो जाती है। नहीं नहीं, जेन्युइन जेन्युइन होता है यार, ऐसे नहीं होता। अपने आप को देख लिया कर, फिर इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें किया कर। जेन्युइन। अबे ओए, तेरे बाप की तो मिले चलती है ना, तभी पैसे वाली ढूंढ रहे हो, बहुत पैसा है तेरे पास। अबे तुझसे तो ज्यादा ही पैसा है, ज्यादा बकवास किया तो चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आ जाइयो पैदल फिर हली रोटी खाने। यार आलू गोश्त को तो हाथ ना डाल, चाय पिएगा? केक रस खाऊंगा। अरे दो खिलाऊंगा, आजा आजा। पक्का ना आलू गोश्त था? हाँ। गुड बॉय, चल। वाह भाई, लंच बॉक्स दे दो, मैं जा रहा हूँ। तुम दुकान पर जाओ, मैं वहीं खाना भिजवा देती हूँ। अरे क्यों भिजवा देती हूँ भाई, तुमने तो रात से बना के रखा हुआ है, दे दो बस मैं ले आता हूँ। हाँ बनाया तो था, लेकिन वो दरअसल। क्या ये वो क्या हो गया, खैरियत तो है? वो तुम्हारा लंच बॉक्स सलीम ले गया, आलू गोश्त भी उसी को दे दिया, उसे पसंद है ना इसलिए। हैं क्या खुदा ना खासा नौकरी लग गई क्या साहबजादी की? नहीं नहीं नौकरी नहीं लगी, वो दोस्तों के साथ जाता है ना तो उसे बेचारे को खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है, तो आज मैंने उसे खाना साथ ही दे दिया। वाह भाई वाह, माँ हो तो आपके जैसी हो है? लड़का आवारा गर्दी करने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो इस ख्याल से कि कहीं खाना खाने के लिए घर ना आना पड़े, तकलीफ होगी, तो आपने उसे खाना बांध के दे दिया। वाह वाह भाई वाह वाह। तो कौन सी कयामत आ जाएगी अगर एक दिन होटल से खाना खा लोगे, कल से नहीं दूंगी उसे, बस खुश। अरे बजाय इसके कि उसका खाना बंद करो, तुम उसे टिफिन बना बना के दे रही हो। तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी औलाद को खाना ना दूं, भूखा रखूं उसे? नहीं नहीं, मुझे भूखा रख, मेरा खाना बंद कर दो, जो कमा कमा के ला रहा है उसका खाना बंद करो, और जो आवारा गर्दी में उड़ा रहा है उसको खाना लपेट लपेट के दो, बांध बांध के दो। अरे तो इसमें उसका क्या कसूर है, उसे नौकरी नहीं मिल रही बेचारे को, तो क्या करे वो फिर? कोई कसूर नहीं, उसका क्या कसूर है, सारा कसूर तो हमारा है जो उसको पैदा किया, उसको पाल पोस रहे हैं। अरे मैट्रिक फेल को कौन नौकरी देता है आजकल, आजकल के चपड़ासी भी बीए पास होते हैं। हाँ अगर किसी चपड़ासी के भी असिस्टेंट की नौकरी निकल आए तो शायद हमारे लौंडे को मिल जाए। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे इसमें भी ना कसूर तुम्हारा ही है। अरे वो गया तो था दुकान पर, उसे डांट डपट के भिजवा दिया, वहां रहता कुछ दिनों में काम सीख जाता, तुम्हारा हाथ बटाता वो। यही सोच के ले गया था दुकान पे कि कल का कुछ काम सीख जाएगा तो हाथ बटाएगा, लेकिन नहीं, पता चला हाथ बटाएगा नहीं, हाथ कटवाएगा। अरे दो दिन में 3,500 रुपए गायब हो गए दुकान के गल्ले से, और पूछा कहाँ गए, पता नहीं अब्बा। अरे दो दिन और जाता तो दुकान पे ताले पड़ जाते, ताले। बस तुम तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे लानत भेजता हूँ मैं तुम्हारे उस नाकारे बच्चे पे, और मेरा खाना उसको देने वालों पे भी।